लल्लू इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? हाँ। तुम्हारे मम्मी डैडी से बात की, आज रात तुम यहीं रुकोगे। ठीक है। खूब मजे करना। शुक्रिया मिस्टर गिल। आओ। आओ। ये बहुत स्वादिष्ट है। आओ। आओ। हाँ? बल्ब में कुछ खराबी हो गई क्या? बच्चों जरा रुकना। हाँ हेलो। ओ मिस्टर भल्ला, क्या हाल चाल है? राजकुमार लल्लू, आप ये लेंगे? जरूर, मैं अभी आता हूँ। बाय बाय। डैडी, आप हमारे साथ डिनर नहीं करोगे? ऐसा लगता है कि मिस्टर भल्ला के घर पे कुछ गड़बड़ी हो गई है, मुझे ठीक करने जाना होगा। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, देर तक मत जागना। ठीक है, बाय डैडी। बाय मिस्टर गिल। मुन्ना, क्यों ना कुछ खेल लिया जाए? हाँ हाँ, चलो चले। मुन्ना, मैं आ रहा हूँ। राजकुमार लल्लू, ये कहाँ चले गए? बस यहीं पे। राजकुमार लल्लू, आपने मुझे डरा दिया। तो पकड़ लो। राजकुमार लल्लू। बहुत हुआ, मैं अब सोने जा रहा हूँ। थोड़ी देर और खेलते हैं। राजकुमार लल्लू, राजकुमार लल्लू, राजकुमार लल्लू, मुझे कहानी सुनाओ। नहीं, मुझे सोने दो। मेरे डैड तो मुझे सोने से पहले हमेशा कहानी सुनाते हैं। काश वो यहाँ होते। हाँ, ठीक है। तुम क्या सुनना चाहते हो? हाँ, मुझे सुनना है। एक मिनट रुकिए। आप कोई भी ले सकते हैं। हाँ? इसके बारे में क्या ख्याल है? काली चुड़ैल के साथ लड़ाई? ठीक है। हाँ। आज से बहुत साल पहले एक काली चुड़ैल हुआ करती थी, जो एक घने जंगल में रहती थी, और जहाँ वो जाती थी वहाँ अंधेरा छा जाता था और सब कुछ भस्म हो जाता था। सब कुछ। ये बहुत डरावना है। डरो मत मुन्ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, एक दिन उसने सूरज को चुरा लिया और उसके बाद चांद को निकल गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। और पूरे जंगल में अंधेरा छा गया। राजकुमार लल्लू, वो काली चुड़ैल यहीं पर है। मुन्ना, डरो मत, मैं देखता रहता हूँ। बाहर तो अंधेरा है, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं, सिर्फ लाइन ही तो गई है। काली चुड़ैल जैसा कुछ नहीं है। देखो, चांद अपनी जगह पर ही है। ये सिर्फ एक काली घनी रात है। डरो मत, सब ठीक है। पर मुझे अंधेरे से डर लगता है। आप लाइट ऑन करिए ना। एक लाइट। समझ गया। हाँ, ये काम करेगा। अब तुम सो जाओ। राजकुमार लल्लू, अगर काली चुड़ैल वापस आ गई तो? ये लो, ये रख लो। पर आप क्या करेंगे अगर काली चुड़ैल आ गई तो? ना, मुझे डर नहीं लगता। राजकुमार लल्लू, पर मुझे डर लगता है कि आप मेरे साथ आएंगे? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम और लाइट का इंतजाम करते हैं। तुमने देखा है या कोई नहीं है? हाँ। राजकुमार लल्लू। ये सिर्फ एक सेब है, घबराओ मत। राजकुमार लल्लू, वो काली चुड़ैल यहाँ आ गई है। राजकुमार लल्लू, फिक्र मत करो, तुम्हें याद है ना जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी? हाँ। उस योद्धा ने अपने दिमाग और साहस का इस्तेमाल करके उसको हरा दिया था। राजकुमार लल्लू उस काले चुड़ैल को हराएगा। मेरा सामना करो काली चुड़ैल। राजकुमार लल्लू, मैं भी आपके साथ हूँ। हाँ, मुन्ना बहादुर भी है। मुन्ना, चलो सामना करें। राजकुमार लल्लू, हम कहाँ हैं? को हराएंगे। बाहर आओ चुड़ैल।
तुम लोग काली चुड़ैल को हराना चाहते हो तो पहले मुझे हराना पड़ेगा। ये कौन बोला? बेहतर होगा चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत पछताओगे। क्या पत्थर बात कर सकते? तुम यहाँ नहीं रुक सकते, जाओ यहाँ से। सुना मुझे? छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे, मैं काली चुड़ैल का सेवक हूँ। मुझे काली चुड़ैल से डरने लगता। और तुम सिर्फ एक बोलने वाले पत्थर हो, मैं तुमसे भी नहीं डरता। हे सुनो, अगर पकड़ सको तो पकड़ लो। अब ये क्या बला है? राजकुमार लल्लू, मैं आ रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। मुन्ना थोड़ा संभल के। चुड़ैल? वो बस यही थी और पूरे घर में अंधेरा कर दिया था, हम डर गए थे। ये ठीक कह रहा है, काली चुड़ैल ने हमें मारने के लिए पत्थर को भेजा और मैंने और मुन्ना ने उसे मार गिराया। क्या ये वही राक्षस है जिसे तुम दोनों ने हराया? तो क्या ये सिर्फ एक साधारण सी टोकरी थी? मुझे लगा यहाँ तो सब कुछ बिखरा हुआ है। वैसे लड़ाई काफी अच्छी थी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। काली चुड़ैल वापस आ गई। अब तुम हमसे नहीं बच पाओगी। अरे नहीं डैडी, आप मत जाइए, वो बहुत खतरनाक है। डैडी, मुन्ना, मैं गिर गया और कुछ नहीं, बस ठीक हूँ मैं। मिस्टर गिल, मुन्ना, काली चुड़ैल कहाँ है? कोई काली चुड़ैल नहीं है, ऊपर देखो। ये तो एक चादर है जो टहनियों से लटकी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एक चादर से डर गया। अब समझे, कोई काली चुड़ैल नहीं है। वैसे अगर वो होती भी तो हम कौन से डरने वाले थे, उसको मार देते। अभी तुम्हें अंधेरे से डर लग रहा है? दरअसल अंधेरी रातें तो होती ही हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हम अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाते, इसलिए कुछ डरावनी चीजों की कल्पना करते हैं। लेकिन हमारे अंदर सच्चाई पता लगाने की हिम्मत है तो हम डरेंगे नहीं। तो समझ गए बच्चों, अब सोने का वक्त हो गया। कितना खूबसूरत दिन है, चलिए देखें बच्चे क्या कर रहे हैं। मम्मी देखो, हमने पेड़ से ये ताजा तोड़ा है। शुक्रिया बेटा। मिसेस मेहता, हाँ? और बताइए कैसी हैं आप? हमने कल दोपहर में चाय पार्टी रखी है, क्या आप आना चाहोगी? बेशक, मैं जरूर आऊंगी। आज तो टी पार्टी है, तैयार होना चाहिए। मम्मी, हाँ? हम बबली और रिंकी के लिए केक ले जा रहे हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना। बाय बाय मम्मी। रिंकी, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीच केक लाया हूँ। हेलो आंटी, हमने ये केक बनाया है, क्या आप इसे चखेंगी? शुक्रिया बच्चों, इसकी जरूरत नहीं। वाह आंटी, आपका दुपट्टा तो बहुत खूबसूरत है।
शुक्रिया, मैंने इसे चाय पार्टी के लिए तैयार किया है। अब मुझे थोड़ा मेकअप करना होगा। देखो तो ये डार्क सर्कल्स को, अब मैं क्या करूँ? अब मैं ये डार्क सर्कल्स के साथ कैसे जाऊंगी? मुझे जल्द ही पार्लर जाना होगा। बबली, तुम भी आओ, हम तुम्हारे लिए केक लाए हैं। मेरी मम्मी चाय पार्टी के लिए खरीदारी करने गई है, इसलिए मैं रिंकी के साथ यहाँ घूमने आई हूँ। टी पार्टी? कैसी टी पार्टी? ये एक छोटी सी सभा होती है जिसमें हमारी मम्मियाँ सारी तैयारियाँ करती है। ये तो मजेदार है, हमें मम्मी की मदद करनी चाहिए। बड़े छोटे, क्या तुम आ गए? हाँ मम्मी, 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 हम वापस आ गए हैं। आओ चलो ब्यूटी पार्लर चले। हाँ ब्यूटी सैलून, चलो चले। थोड़ा रुको बच्चों, आज तुम्हें क्या हो गया है बताओ? कल मम्मियों की टी पार्टी के लिए रिंकी की मम्मी ब्यूटी पार्लर गई है, काले घेरों से छुटकारा पाने के लिए। ये काले घेरे हैं? हाँ सही, काले घेरे। मम्मी आपको भी जाना चाहिए। मेरी कोई डार्क सर्कल नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मम्मी बहुत खूबसूरत है? बोलो बच्चों। मम्मी सबसे सुंदर है। ठीक है ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, बहुत काम है। बड़ी क्या कर रहे हो? मम्मी ब्यूटी पार्लर नहीं जा रही है, क्या करें? हो सकता है चलो बबली और रिंकी से मदद मांगते हैं। तुम सही हो, उन्हें पता है क्या करना चाहिए। तुम लोगों को मेरी सलाह की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, मेरे पीछे आओ। मेरी मम्मी ने मेरे लिए कुछ स्कार्फ और टोपी खरीदी है, अगर तुम चाहो तो इसमें से कुछ ले सकते हो। छोटे मैं ये वाला मम्मी के लिए देखता हूँ। लो। बबली, ये टोपी और स्कार्फ सभी बहुत छोटे हैं। मेरे पास एक तरकीब है। टोपी तैयार है, ये देखो कैसी लग रही है। ये लो। मम्मी इसमें बहुत अच्छी लगेंगी। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। शुक्रिया बबली। कोई बात नहीं, काश ये तुम्हारी मम्मी को पसंद आ जाए। चलो रिंकू से भी जाके कुछ आइडियाज लेते हैं। मेकअप? ये सही है। ये बहुत बढ़िया है, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बैठ जाओ और ये लो स्नैक्स। खीरा? टंटना। चलो शुरू करते हैं, ये मैंने मेरी मॉम से सीखा है। सबसे पहले ये स्लाइसेस फेस पे लगाए। बड़ी, इसे खाना नहीं है। फिर उसके बाद आप पाउडर लगाएं। वाह, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। और आईब्रो पेंसिल लगाएं, ब्लश लगाएं और लिपस्टिक। अब हम तैयार हैं। वाह बड़े, तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। भाई तुम भी अच्छे लग रहे हो। चलो मम्मी को भी मेकअप लगाएं। मैं कितनी सुंदर हूँ। हाँ, ये भी हो गया, चलो अब जाने का समय है। अभी एक और काम बाकी है। हाँ क्या मतलब? बस हमारे पीछे आओ, आप आराम से बैठो। हाँ ठीक है, क्या कर रहे हो? अब हम आपको तैयार करेंगे। मम्मी पहले फेस मास्क मैं करता हूँ। मम्मी मैं आपका फेशियल करूँगा। मुझे करने दो, तुम कटोरा पकड़ो। हाँ? बड़े हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास समय नहीं है। ठीक है मम्मी, अब हम शुरू करते हैं। ये आपकी त्वचा निखारेगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये आपका फेस बहुत सॉफ्ट कर देगा। मम्मी क्या ये अच्छा नहीं है? अब आई मेकअप ये लो। मम्मी क्या आप पीला या नीला रंग पसंद करेंगे? पीला और नीला मेकअप? ठीक है तो हम दोनों ही लगा देते हैं, ठीक है ना?
तो फिर शुरू करें। ब्रश दे दो भाई, हाथ का कड़ा सब कुछ कर दिया। मम्मी कुछ अलग ही दिख रही है। हो गया, मुझे देखने दो। चिंता मत करो, हमारी मम्मी सबसे सुंदर दिखने वाली है। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, पार्टी के लिए देर हो रही है। मम्मी हमारे लिए रुको। बड़े जल्दी करो, मैं आ रहा हूँ। छोटे बड़े कैसे हो? हेलो मिस्टर कदारू। हाय मिस्टर कदम। तुम भूकंप नहीं। क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी? चिंटू तुम्हें क्या हुआ? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी ये पार्टी शुरू होने वाली है, हमें चलना चाहिए। वो कौन था? मुझे नहीं पता। अच्छी खुशबू आ रही है मम्मी। बताओ बबली। बड़े छोटे तुम लोग यहाँ आ गए हो, ये देखो मम्मी ने कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। बबली बड़े छोटे स्वागत है। क्या चल रहा है? हेलो मिसेस मेहता। मिसेस मेहता। क्या बात है? वो उन्हें बहुत ही सुंदर दिख रही है। हाँ हो सकता है। मिसेस मेहता जरा इस आईने में तो देखिए। ओ ठीक है। ये कौन है, ये कैसे? ओ नहीं मम्मी, आपको ये पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चों, बस थोड़ा समय लगेगा मेरे नए लुक की आदत डालने में। छोटे बड़े मैं तुम्हारी मॉम को अभी लेकर आती हूँ अच्छे से तैयार करके। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बड़े क्या तुम्हारे पेट नहीं भरा? ये लो बच्चों। हम आ गए। मम्मी आप कितनी सुंदर दिख रही हैं। मैं जानती हूँ मैं मोटी हूँ। मिसेस मेहता आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ओह फूलों की सजावट अच्छी है। शुक्रिया, अगर आपको पसंद है तो ये गुलदस्ता आप ले सकती हैं। सच में बहुत अच्छा रहेगा। बिस्किट्स और केक्स। वाओ चलो टेस्ट करते हैं। ये बहुत टेस्टी है। ओह चलो अब हम ये केक और बिस्किट एक साथ एंजॉय करते हैं, क्या कहती हो? ठीक है बड़े। ये लो। बड़े छोटे तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों को मेरी परवाह है। मम्मी आप हमारे दिलों में हो। मम्मी हमेशा बहुत सुंदर होती है। मैं भी ऐसा सोचता हूँ। अभी बस दिन की शुरुआत हुई है, लल्लू बहुत जल्दी में है। नहीं मुझे देर हो रही है, माफ कर दो मैं फिर से लेट हो गया। लल्लू तुम बहुत लेट हो गए हो। मैं जानता हूँ मुझे देर हो गई है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार मैं टाइम से आऊँगा। ठीक है मुझे यकीन है। अब बैठ जाओ। ठीक है बच्चों चलो शुरू करो। आज से तुम्हारा नाम है लेट लतीफ। काश अगर दरवाजा खोलती मैं क्लास में आ जाता, ये बहुत अच्छा होता। बाय लल्लू, कल देर मत करना। ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। शायद मिस्टर बंता के पास कुछ खाना हो। मिस्टर बंता, मुझे लगता है वो यहाँ पर नहीं है। आखिर मैं स्कूल जल्दी कैसे पहुँचूं?
मैं यही उनका इंतजार करता हूँ। ये कुंडी कितनी सुंदर लग रही है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे अपने पास रखता हूँ। खुल जा सेम सेम, अब तैयार रहो। ये क्या है? ये दरवाजा कहाँ से आया? आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या होगा? ये तो बहुत अजीब सा है। ये तो बहुत कमाल की चीज है। क्या है दरवाजा? मुझे सच में कहीं भी ले जा सकता है। मैं अफ्रीका जाना चाहता हूँ। आज लल्लू के लिए सभी ताली बजाओ। वो सबसे पहले क्लास में आया। लल्लू, तुम आज कितने बजे उठे? पता नहीं, मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा। हलने का समय। लल्लू, तुम आ रहे हो? नहीं, तुम जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पता नहीं कैसे लल्लू यहाँ मेरे से पहले आ गया। पहले वहाँ, फिर वहाँ। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? मैंने अभी तक कोई किताब नहीं पढ़ी है। आइला, ये सही रहेगी और ये वाली भी सही है। ला 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 ला। अब मुझे लगता है थोड़े मजे मार लिए जाए। मेरी ड्राइंग अभी तो यही थी। यहाँ यहाँ पर जरूर कोई भूत है। रिंकी, यहाँ पर एक भूत है जो ड्राइंग में गायब हो जाता है। आओ देखो। बबली, लेकिन ये यही है। बड़ी गड़बड़ कैसे कर सकती हूँ? मैंने यहाँ पर एक भूत देखा था। बहुत अजीब बात है। आओ, आओ, आओ। लल्लू, तुमने ही बबली का पेंटिंग छुपाया था ना? वो मैंने था। हाँ, वो तुम ही थे। वो क्या है? ये कुछ भी नहीं है। मुझे देखने दो। पहले मुझे पकड़ो तो। लल्लू, मुझे देखना है। लल्लू, मुझे देखने दो। पहले मुझे पकड़ो फिर ले लो। रुक जाओ लल्लू। लल्लू रुको। लल्लू, ये लल्लू कहाँ चला गया? मैंने अभी अभी उसे यहाँ दौड़ते हुए देखा था, और वो अचानक से कैसे गायब हो गया?
सुनो रिंकू, कोशिश करती रहो। आइला, पकड़ लिया। मैं यहाँ पर हूँ। नहीं यहाँ। देखिए कहाँ हो तुम? प्यारी रिंकी, अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। जादुई कुंडी? ये एक जादुई किस्म की कुंडी है। हाँ, तो वो तुम ही थे जिसने तस्वीरें गायब की थी। मुझे माफ कर दो। अब हम क्या करेंगे? कैसे बाहर निकलेंगे? ये कुंडी काम नहीं कर रही। हाँ? यहाँ पर भी नहीं। लल्लू आराम से। कहीं भी नहीं कर रही। आखिर ये काम क्यों नहीं कर रही? मुझे लगता है कि हम फंस गए। मुझे घर जाना है। रिंकी, क्या तुम ठीक हो? मेरे पैर में चोट लग गई है। मुझे माफ कर दो रिंकी। कोई बात नहीं। हम यहाँ से बाहर कैसे जाएं? ये कुंडी तो काम ही नहीं कर रही। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? एक सुनहरा दरवाजा कुंडी। चलो एक सुनहरा दरवाजा ढूंढें। देखो, वो रहा सुनहरा दरवाजा। वाह, शायद ये कुंडी इसी दरवाजे की है। ये सब मेरी गलती है। मुझे शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए थे रिंकी। लल्लू, मुझे वापस जाना है। लल्लू, क्या तुम ठीक हो? ये मैंने कर दिखाया। लल्लू, तुमने मेरे दरवाजे की घुंडी क्यों पकड़ी हुई है? मुझे माफ करना मिस्टर बंता, मैं इस जादुई घुंडी के साथ फिर से नहीं खेलूंगा। जादुई दरवाजे की घुंडी? ये मैंने नई खरीदी है पुराने वाले को बदलने के लिए। ये देखो। मैं बस सपना देख रहा था। लल्लू, कल याद से टाइम पर आ जाना। रिंकी, तुम ठीक हो? मुझे ये देखकर खुशी हुई। तुम ठीक हो ना लल्लू?